नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड ajastomoneygrew.com आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 22 अप्रैल 2021 मार्केट एट 3 PM में। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, हमने हमारे मॉर्निंग शो में मैंने आपसे चर्चा की थी, जब निफ्टी लगभग 14,220 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी 14,300 के लेवल को क्रॉस करने की पूरी संभावनाएं बन रही है, और वैसा ही अभी देखने को मिला। अभी निफ्टी लगभग 14,405 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी निफ्टी अपने डे हाईस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि निफ्टी 14,300 के ऊपर जाने के बाद 14,350 और 14,400 भी दिखाने की पूरी संभावनाएं बन रही है, और निफ्टी में वैसा ही अभी देखने को मिला। अब सवाल आता है कि आगे निफ्टी में क्या होने की संभावनाएं बन रही है, और आपको किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। दोस्तों, आप हमारे एनालिसिस एडवांस में पाने के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे और वीडियो पे, दोनों पे अवेलेबल है। इसी के साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि आगे बाज़ारों के अंदर क्या होने की संभावनाएँ बन रही है। दोस्तों, निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी के साथ साथ कुछ रिकवरी और पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सेशंस के अंदर, लेकिन सभी ट्रेडर से को ये एडवाइस है कि वो अपना ट्रेड हैज कर चले और कोई भी लंबा ट्रेड और रिस्की ट्रेड ना ले। इसी के साथ आप कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जिसमें है विप्रो, नौकरी और HCL टैक। आप इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। विप्रो, नौकरी और HCL टैक, इन स्टॉक्स के ऊपर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आप इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।